हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का नेहाज क्रिस्पी फूड में। आज मैं आपको शॉर्टकट वाली आलू का पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें आपको आलू को भूनने की कोई भी जरूरत नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम आलू को उबाल लेंगे और उसके छिलके को उतार लेंगे। उसके बाद हम लेंगे प्याज, कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, धनिया का पत्ता। मसालों में डालेंगे हम जीरा पाउडर एक चम्मच, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है। अब इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब थोड़ा सा हमने इसमें डाला है काली मिर्च पाउडर। और सभी आलू को जो है क्रश कर लेंगे। उसके बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमारा जो है आलू रेडी हो जाएगा। आप यकीन मानिए, इसे आप फ्राई नहीं करेंगे लेकिन फिर भी आपको कोई अंतर नहीं हो जाएगा कि हमने फ्राई नहीं किया है। इसका टेस्ट सेम आने वाला है। अब लेंगे आटा, तो आटा में जो है स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आलू में भी हमने डाला है, इसे बैलेंस करते हुए डालिए। और इसमें जो है ऑप्शनल 2 चम्मच हमने इसमें तेल डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं डालना है तो मत डालिए आटा में। उसके बाद इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे पहले। उसके बाद एक ढीला सा डो तैयार करेंगे। देखिए डो को जो है बहुत कड़ा मत बनाइएगा, पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और धीरे धीरे पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार करेंगे। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इसका डो जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एकदम कड़ा बनाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसका मुलायम सा डो बनाइए और इसे थोड़ी देर के लिए आप चाहे तो ढक कर भी रख सकते हैं। उसके बाद हम छोटा सा गोला बनाएंगे, यानी कि सर्कल बनाएंगे और इसमें हम आलू कर देंगे और उसके बाद फिर से हम रोटी भेज देंगे और इसमें ऑयल लगाएंगे। गोला बनाया सगत कर देंगे क्योंकि आलू का पराठा है तो आलू ज़्यादा होना चाहिए वरना अच्छा नहीं लगेगा खाने में। उसके बाद इसके जो मुंह है उसको बंद कर दीजिए ताकि ये फटे नहीं। और बर्तन लगाइए, आटा सूखा हुआ आटा लगाइए। उसके बाद सर्कल बनाते हुए इसे पीजिए हल्के हाथों से, बिल्कुल गोल बनाइए या फिर गोल ना बनाइए आपकी मर्जी। अब देखिए इसे गरम तवे में डालिए, जब दूसरे साइड हो जाए तब हम इसमें ऑयल लगाएंगे और अच्छे तरीके से दबाते हुए पका लेंगे ताकि जो है कच्चा ना रह जाए। उसके बाद इसे आप हरी चटनी के साथ, दही के साथ, चाय के साथ, जिस चीज़ के साथ सर्व करना चाहते हैं सर्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है इसे मेयोनीज के साथ खाना पसंद करते हैं तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो ये देखिए तवा गर्म हो जाएगा, तब इसे पलट देंगे, ऑयल लगाएंगे। तो बाकी का सेम प्रोसेस है दोस्तों, इस तरीके से देखते रहिए, सर्व कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।